नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शाधि के शरण नेत्रे अम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि की समस्त देशवासियों को समय जगत समूह की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मंदसौर शहर के मदारपुर क्षेत्र में 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद गुरुवार को देर रात तक पुलिस का कड़ा पहरा लगा रहा। वहीं दिन के समय वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव को लेकर एक पक्ष की शिकायत के बाद दूसरे पक्ष के 22 लोगों के खिलाफ पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रात को पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को दोपहर में पीड़ित पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घरों और वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ था, जिसके बाद अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को हवाई फायर करके तितर बितर किया। एहतियात के तौर पर दिन में मदारपुर की सभी दुकानें बंद करवा दी थीं और लोगों को उनके घरों में जाने के लिए कहा गया। जिला कलेक्टर धनराजू एस और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल भी घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंच गए थे। सारी घटना पर अपनी नजर बनाए रखी थी। पुलिस ने मामले में अलग से भी FIR दर्ज की। सुरक्षा की दृष्टि से रात भर मदारपुर क्षेत्र में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। इस मामले में रवि डामर की शिकायत पर 22 लोगों के खिलाफ धारा 232, 294, 506, 452, 147, 149 IPC और 3 व 2 BA मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अली खान, मोहसिन रीडा, सहदाब जाफर, रईस एहसान, अकरम फिरोज, आबिस शाकिर, फारूक आसिफ, हैदर आजम, सोयब लियाकत, रसीद और मुन्ना पर केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लगभग 2:15 के दौरान कुछ दो ग्रुप विवाद की स्थिति उत्पन्न हुए, लेकिन फोर्स समय पर पहुंचने से विवाद और बढ़ने से बचा है, तो स्थिति नियंत्रण में है और लोग FIR कराने के लिए स्टेशन पहुंचे। मामला क्या हो गया था? नहीं, इसका बहुत बैकग्राउंड अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन कल एक घटना हुई थी, उसको इसका रिपरकशन हो सकता है, लेकिन जब तक पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या कर रहे हैं। मामले को शांत करने के लिए क्या किया है, क्या रहा है? नहीं, देखिए, जैसे मैंने जैसे कहा कि फोर्स तुरंत पहुंच गया है, इसकी वजह से स्थिति बिगड़ने से रुक गई है और स्थिति नियंत्रण में, आगे जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। खबर समय जगत के लिए मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।